अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, एंड आई होप इंशाल्लाह आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे जी मैंने कुछ शॉपिंग की थी जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये मैंने पाकिस्तान भेजने के लिए अपने देवर के बच्चों के लिए शॉपिंग की थी। ये उनकी बेटी के लिए मैंने छोटा सा ज्वेलरी सेट ले लिया था, और ये मुझे टीके मैक्स से मिल गया था। बड़ा क्यूट सा ये लाइक था, छोटा सा सेट ना, बटरफ्लाइज बनी हुई थी, और ऐसी चीज़ें बच्चियों को पता है बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो उसके अलावा कुछ स्टेशनरी ले ली थी मैंने उनके लिए, और जो उनके छोटे दो भाई हैं उनके लिए। तो ये काफ़ी बड़ा सा बॉक्स है, इसमें काफ़ी सारी पेंसिल कलर्स और ये जेल पेन्स, ग्लिटर पेन, इस तरह की चीज़ें थी। और ये उनका जो लाइक छोटा भाई है उसके लिए मैंने ये कलरिंग बैग ले लिया था, ये ड्राइंग शीट्स ले ली थी क्योंकि ये बच्चों के बहुत ज़्यादा काम में आ जाती हैं। तो उसके अलावा ये मैंने जो पहले बताया, जिनका जिक्र किया, जो उनकी बेटी हैं उनके लिए ये मैंने ईजल और ये कैनवस ले लिया था। और उसके अलावा साथ ये ग्लिटर वाले जो कलर पेंसिल्स थी ये ले ली थी। तो इसके साथ भी ये छोटा सा इरेजर भी है, शॉर्पनर भी है, ये भी काफ़ी क्यूट सा मुझे लगा था। तो उसके अलावा ये लाइक वो पेंट्स के लिए जो प्लेट होती है वो है, और ये भी एक ये पेंट्स हैं, ब्रशेज हैं, ये भी बड़ा अच्छा सा सेट था। तो ये वाला मैंने ले लिया था, और साथ ही साथ ये मैंने छोटे के लिए ये लाइक अभी बिल्कुल वो 3 ईयर्स का होने वाला है तो उसके काम में आ जाएगा, ये मैट था तो इसके ऊपर लाइक ABC और इसके अंदर जो कार्ड्स हैं वो थे। और बाकी ये सबसे छोटे बेबी के लिए ले लिया था कि चलें ये थोड़े बहुत सिलिकॉन टाइप के हैं तो बच्चे के लिए सेफ रहेंगे। और साथ में मैंने ले लिया था ये वाला जो बैग है कि इसमें डाल दूँगी सारी चीज़ें तो काफ़ी क्यूट लगेंगी ये। तो ये काफ़ी अच्छी प्राइस में चीज़ें मिल गई थी। तो उसके अलावा ये मेरी बच्चियों ने ली है जी लेडी बग, और आजकल बस वो इसके पीछे बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं। काफ़ी अरसे से वो देख रही थी, लेकिन जब वो मतलब ये कार्टून्स देखती हैं, लेकिन ये उन्होंने जब टॉय देखा कुछ दिन पहले तो उन्होंने ज़िद की हुई थी, फिर कल उनके डैडी ने उनको ले दिया, और अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अब हम इनका जो पूरी वो है ना कार्टून्स में सारे वो पूरे करेंगे। तो ये यहाँ पर बस बच्चों ने ज़िद स्टार्ट की हुई थी आते ही, और उनको मैंने खोल के दे दिया। और बस 2 दिन से बस ये है कि बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इसके साथ खेल रहे हैं और खुश हैं। और ये जी आज मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है गिफ्ट, और मुझे चाहिए था अपने किचन के लिए टोस्टर, तो ये वहाँ पे उनको बड़ा अच्छा सा लगा। एक कैटल भी थी और ये टोस्टर भी था, और वो मुझे बोल रहे थे कि ये दोनों चीज़ें मैंने आपको ले कर देनी है। तो मैंने ज़िद लगाई भी थी, नहीं मेरे पास कैटल ऑलरेडी है जो कि बिल्कुल ठीक है, तो मैंने नहीं लेनी ना, तो बस आप मुझे टोस्टर ले कर दे दें अगर देना है। तो उन्होंने फिर ये मुझे लाइक एज अ गिफ्ट दिया मुझे कल। तो बड़ा अच्छा सा ये बड़ा क्यूट सा हमें मिल गया था। तो और ये था आई थिंक 64.99 का था, और ये हमें टीके मैक्स से 34.99 का मिला था। तो यहाँ पे मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ और फिर मैं आपको यूज़ करके भी दिखाती हूँ। और ये देखें जी कितना प्यारा सा इसका ये ऊपर जो मार्बल का टेक्सचर बना हुआ है, और वाइट कलर में बहुत अच्छा सा लग रहा है ये। और इसमें लाइक 4 जो टोस्ट होते हैं उसकी कैपेसिटी है। और इसको अब मैं थोड़ा क्लीन वगैरह करके ऑन करती हूँ, और फिर हम टोस्ट बना के देखते हैं कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखें, आपको मैं इसकी अच्छी सी सारी लुक दिखा देती हूँ। डीफ्रॉस्टिंग का भी है, लाइक अगर आपने नॉर्मल हीट करना हो तो वो, और इस तरह सारी ये फंक्शंस वगैरह हैं। तो यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर रखे थे 2 टोस्ट, और मैंने इसको ऑन कर दिया था, और बस अब मैंने कहा चने बना के तो बच्चों को देती हूँ और फिर उनसे पूछती हूँ कैसा लगा आपको ये। तो यहाँ पर बस ये अब रेडी होने वाले हैं, और सारा इसका लाइक ठीक वर्क कर रहा है, ऑन है सही। और बस यहाँ पे मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि मैं कैटल साथ ले लेती तो ज़्यादा अच्छी लगती। तो यहाँ पे ये नीचे इसके ये काफ़ी इजी से हैं क्लीनिंग के लिए, जो ड्रॉर होते हैं वो हैं। तो अभी तो बस मैंने ये 2 स्लाइसेस बनाए थे तो इतना कोई मैस नीचे नहीं हुआ था। तो बाकी ये कि ओवरऑल हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और इसकी फिर मैंने इस तरह से जगह बना के और इसको सेट कर दिया, और ऊपर ये मैंने एक टिशू बिछा के, और ये चॉकलेट बॉक्स में से एक निकला था
लाइक ये हार्ड सा था तो ये मैंने ऊपर रख दिया कि चलें कोई इस तरह, अल्लाह का शुक्र है कोई होती तो नहीं है चीज़, लेकिन फिर भी चलें थोड़ी केयर अच्छी होती है। तो साथ ही साथ मैं आज बना रही हूँ जी लैम्प चॉप्स बना रही हूँ, तो उसकी कढ़ी बनाऊंगी, लाइक कढ़ाही सॉरी, तो वो उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे लैम्प चॉप्स को अच्छी तरह मैंने वॉश करके उसके अंदर 1.5 कप वाटर डाल के और उसको थोड़ी देर बॉयल किया था, और फिर उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक एंड अनियन का इस तरह से पेस्ट बना के वो डाल दिया था और उसको कुछ देर अच्छे से बॉयल होने दिया था। और उसको बॉयल करने के बाद आपने ये करना है कि लाइक 30% बॉयल करने के बाद उसके अंदर मैंने थोड़ा सॉल्ट भी ऐड कर दिया था, और फिर उसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको अच्छे से इसको लाइक उबलने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे तकरीबन ये 50% जो है गल चुका है, तो अब मैं इसके अंदर बाकी मसाले ऐड कर दूंगी और सॉल्ट जैसा कि मैं ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूंगी, आप लोग घी डालना चाहें जो भी चीज़ इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर और ये बेल पेपर काट के डाल दी थी, और इसको मैं अच्छे से इसकी भुनाई करूंगी ताकि जो एक गोश्त की स्मेल होती है वो बिल्कुल फिनिश हो जाए। तो अच्छे से भुनने के बाद अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूंगी, जिसमें कि नॉर्मल जो हमारे रूटीन के मसाले होते हैं, हल्दी है, लाइक ये क्रश जो रेड चिलीज़ होती हैं वो है, रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ था, तो धनिया पाउडर है, थोड़ा सा पेपरिका है, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर तंदूरी मसाला भी मैंने ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे मैं पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर दिया है। तो अब ये सब ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है और तकरीबन 10 मिनट इसको खूब भूनना है ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से अब्ज़ॉर्ब भी हो जाए और इसकी स्मेल जो होती है ना गोश्त की वो बिल्कुल फिनिश हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से ये भुन चुका है और अब मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूँगी, और जो बाकी इसको गलाने की कसर रह गई थी, लाइक ये गल तो जल्दी जाता है, लेकिन ये कि जो मुझे थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी भी बनानी थी, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर अब अच्छे से भुनने के बाद इसके अंदर ये बच्चों का छोटा सा ग्लास है, तो ये तकरीबन जो है ना मैंने इतना तो मुझे इसके अंदर शोरबा रखना था और इतना ये मैंने इसको गलाने के लिए लाइक ये छोटे से ग्लास है और मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास ये डाल दिया था। तो ये डालने के बाद मैं इसको थोड़ी सी इसकी आँच हल्की करके तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था, और तकरीबन 15 मिनट के बाद ये देखेंगे अब ये तकरीबन रेडी होने वाला है। यहाँ पे मैं इसके अंदर ये फ्रोज़न जो मैंने रखा होता है जो धनिया होता है सब्ज़ धनिया वो इसके अंदर ऐड किया है, और थोड़ा सा ऊपर से मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी, और हल्की सी आँच पे इसको कवर करके रख दिया था मैंने, और ये यहाँ पे एंड पे मैं ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मज़ेदार से लैम्प चॉप्स रेडी हो गए हैं। तो उसके बाद मैं साथ साथ अब फुलके बनाने लगी हूँ, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बन गया था, और बच्चों ने और हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और जब फैमिली इस तरह से आपकी तारीफ़ कर दे और फिर एक बार नहीं दो बार नहीं खाते हुए 3 बार तारीफ़ कर दें, तो बस आपकी मेहनत जो है ना वसूल हो जाती है। तो होपफुली मेरा ये व्लॉग, मेरी ये लाइक कुकिंग की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आजकल जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, तो बस इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा इस तरह बादल बन गए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मौसम अच्छा हो गया था। लेकिन ये मैंने किचन की विंडोज़ बंद कर दी थी क्योंकि अब हमने खाना खाना था बैठ के बाहर, तो इसलिए मैंने विंडोज़ वगैरह बंद कर दी थी। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसके अलावा ये कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।